Hey guys, welcome to this video. This is Raj from BA Educare. This video is going to be very important because in this video I'm going to discuss the actual cutoff of all 300 plus MBA colleges jo Maharashtra MBA CET ka exam lete hain. So in this video we are going to discuss about AI seats, all India seat. ठीक है, अगर आप outside Maharashtra के student हो तो आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि कितना score आपको लाना होता है, कितना आपका percentile लाना आपको जरूरी होता है, कितना rank लाना जरूरी होता है. ठीक है, तो this the official cut-off merit list for all India seats cap round 1. ठीक है, तो जब cap round होता है after MBA CET we all know कोई admission जो process होता है वो पूरा centralized होता है, centralized admission process इसको बोला जाता है all India seats का. अब जमनालाल बजाज की बात करें जो सबका ड्रीम कॉलेज होता है, जो लोग जिसके लिए CET लिखते हैं, तो इसका जो कट ऑफ राउंड 1 का था लास्ट ईयर का, दिस कट ऑफ इज फॉर 2022-23, मोर और लेस सिमिलर ही होता है हर साल. ठीक है, सो आपका जो कट ऑफ गया इस साल का वो तो 99.98. ठीक है, और मेरिट नंबर मतलब आपका ऑल ओवर इंडिया की जो कैटेगरी होती है उसमें जो आपका रैंक है वो 35. तो अगर 35 रैंक है, 99.98 है, तो आपको ये कॉलेज मिला होगा. और इसी प्रकार से अगले साल 2023 और 2024 का जो कट ऑफ जाएगा वो इस प्रकार से होगा. राउंड 2 होता है, फिर राउंड 3 होता है. राउंड 3 में परसेंटाइल तो सेम रहा बट जो स्कोर है वो थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिला. ठीक है, तो अगर हम काफ़ी सारे स्टूडेंट, अब ये जो लिस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ये पता चल सकता है कि टॉप के कॉलेजेस कौन से हैं, क्योंकि जिस कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा गया उस, क्योंकि देर इज़ नो ऑफिशियल रैंकिंग. ओके, ये सारे कॉलेज की ऑफिशियल रैंकिंग नहीं है. एक ही चीज़ है, बहुत सिंपल है, जिस कॉलेज में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जिस कॉलेज का कट ऑफ हाई पे गया था वो कॉलेज टॉप पे आम माना जाता है. तो आप देख सकते हो जमनालाल बजाज, सिडनम, वेलिंकर, SIS, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस जिसको पुम्बा बोलते हैं. ठीक है, बॉम्बे का सेंट जेवियर्स कॉलेज COEP, ये नया कॉलेज आया था. एंड फिर उसके बाद चेतना, MET, लाला लाजपत राय, ठाकुर इंस्टीट्यूट. तो इस तरीके से ये टॉप कॉलेजेस हैं. आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो कितना कट ऑफ गया था. ठीक है, तो 99 के ऊपर अगर आप ला रहे हो तो आपको टॉप 8 कॉलेज में एडमिशन मिलता है. 98 के ऊपर है तो यहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं. इसी प्रकार से ये जो पूरी की पूरी कट ऑफ की लिस्ट है ये आपको देखने को मिल रहा है. ठीक है, 300 से ज़्यादा कॉलेजेस की यहाँ पे पूरी लिस्ट है. दिस इज द एक्चुअल लिस्ट जो कट ऑफ गया था राउंड 1 का, एंड ये जो है राउंड 3 का. इसमें कॉलेजेस कम हो जाते हैं क्योंकि कुछ कॉलेजेस की सीट्स राउंड 1 एंड राउंड 2 में फिल हो जाती है. तो एक चीज़ है आपको याद रखना है, इफ़ यू टारगेटिंग टॉप 30 कॉलेज, ओके टॉप 30 ऑफ महाराष्ट्र, तो आपका जो स्कोर है वो 90% के ऊपर होना चाहिए. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है. बट अगर आप प्लेसमेंट, जो डेफिनेटली आपका गोल होगा कि आपको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, तो आइडियली टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 या फिर मैक्सिमम टॉप 10 तक आपको सोचना चाहिए. कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको 40% पे भी एडमिशन मिलेगा, 30 पे भी मिलेगा, 20 पे भी मिलेगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इसमें कोई फेल नहीं होता. एक चीज़ आपको याद रखना है, इस एग्ज़ाम में कोई फेल नहीं होता, पर आपको कॉलेज कैसा मिलेगा, उसका क्या प्लेसमेंट है, वो सब आपको प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये आपके करियर, यहाँ पे आपका जो करियर है ये पूरा का पूरा आपके कॉलेज, आपको नॉलेज, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं कि हम MBA तो करने जा रहे हैं पर क्या कॉलेज MBA नाम की डिग्री देता है. तो मैं आपको बताता हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर जनरली आपको MMS नाम की डिग्री मिलती है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. ठीक है, वही आप पुणे में चले जाओगे तो आपको MBA नाम की डिग्री मिलती है. और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के भी डिग्रीज मिलते हैं या फिर कुछ अलग अलग कोर्सेस होते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो. ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. ये जो पर्टिकुलर फाइल है ये मैंने, हमारा जो ऐप है उसके अंदर फ्री कंटेंट है, उसके अंदर हमने डाल दिया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. फाइन, सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. राउंड 1 का, राउंड 2 का, राउंड 3 का, तीनों फाइल्स आपको देखने को मिल जाएगा. फाइन, सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.